आप यही कहना चाहते कि प्रायोजित दंगा था, जो भी वहां पर मतलब दिक्कतें हुई उसको कहीं ना कहीं आपने जो बजरंगी की बात की उन्होंने इसको प्रायोजित किया था। हाँ हाँ, प्लानिंग थी, 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बढ़ चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता, मुझसे फेसबुक के जरिए से इसको जिस जिहादी को पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हम डीसीपी कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के पास जब गए थे कंप्लेंट देने, तो इस दूसरे दिन इसके साथ ही कहता है कि हम इस जिहादी को, हमसे जिहादी बोलते हैं लोग, कि भाई जिहादी को हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। वो वीडियो, वो फोटो मेरे पास है। आपको धमकी दी गई थी? मेरे को जान से मारने पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे ये बोला था मेरे को, मेरे पास वो प्रूफ है उसका। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी है, ना मुसलमान दोषी है, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए जो आज कौन सी न्यूज होती है बड़ी वाली, नेशनल मीडिया के सामने आ रहा है भगवा पैर के। कभी उसके जिंदगी में नहीं पैरा उसने, 6-6 महीने में तो ना पाया वो क्या मंदिर में पूजा करेगा। मैं मोनू मानेसर को नहीं जानता, मैं मोनू मानेसर के बारे में नहीं कहूंगा। एक अशोक बाबा है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो सिर्फ पर्सनली कि उसका एक अंदर से जो विचार है वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। उसने गोली चलाई है, वो क्यों चलाई है वो जाने, पुलिस जाने। मैं बाबा को जानता हूँ जो अशोक बाबा है, फरीदाबाद का है, बल्लभगढ़ का वो लड़का, ठीक है भाई साहब। मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगा कि वो आतंकवादी है, वो फलाना उठ, नहीं, उसने गोली चलाई, क्यों चलाई। लेकिन ये जो 6 लोग मरे हैं जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसकी तफ्तीश कराई जाए बस, क्योंकि मुझे पता है इस देश के अंदर, बिट्टू को पता है कि दंगा हुआ किस बात से है। मतलब फरीदाबाद से आपके प्रयास से रुका, लेकिन उसके बाद फरीदाबाद में बड़े भाई नूह तक मामला पहुंच गया, उसी के जरिए नूह पे इनको मालूम हुआ था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है। शोभा यात्रा वहां जो निकलती थी 2-4 साल से जो निकल रही है, वो नॉर्मल तरीके से जो हमारे हिंदू भाई थे वो वहां पे पूजा करते थे और मुसलमान भाई उनकी सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को पाकिस्तान से आगे बम फेंक गया, कोई दुनिया के कहीं और आतंकवादी देशों से आगे बम फेंक गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा प्यार है, इतना बड़ा प्यार है कि शायद ही देश में किसी कोने पर मिलेगा, समझ रहे भाई साहब। लेकिन वहाँ इन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि फरीदाबाद में, तो हमने कर दी प्लानिंग कैंसिल, 3-4 मुकदमे लगवा दिए इसके ऊपर हमने। क्यों लगवाए? कि जगह 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 जहाँ हमने कोई इसकी कच्ची बातें पता लगती रही, हम वहाँ कंप्लेंट देते रहे। एक और बताऊँ मैं आपको, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 58 का थाना SHO साहब, मैं झूठ बोलूँगा आप पूछ लेना उनसे, कि इसने एक दिन सेक्टर 56 में आसियाना नाम के फ्लैट हैं, आसियाना नाम के फ्लैट में एक सपोला नाम का लड़का जो गांजा और दारू बेचता है, जिसमें 21 मुकदमे लगे हुए हैं, बिट्टू का पार्टनर है वो, उस सपोला नाम के लड़के ने एक मुस्लिम टेम्पू चलाने वाले लड़के के हाथ और पैर तोड़ दिए और उसको दंगे का रूप दे दिया कि जल्दी आ जाओ। फेसबुक पर डाला इसने कि भाई हो जल्दी आ जाओ, मुसलमानों से हिंदुओं का झगड़ा हो गया, जबकि एक गांजा बेचने वाले का टेम्पू चलाने वाले झगड़ा हुआ। तो हम उसके उस बात को लेकर हम पहुंचे यहाँ पे, अपना NIT तनेजा जी, जो तनेजा साहब है हमारे NIT के ACP साहब, हम ACP साहब के पास पहुंचे वहाँ कि साहब इस तरीके से अभी लाइव वीडियो डाली है इसने। तो 58 सेक्टर थाने इंचार्ज ने उसको बुलाकर उसकी वीडियो डिलीट कराई कि कोई दंगा नहीं होगा यहाँ पे। पूछ लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नहीं। उसकी बजरंगी के आप कहना ये चाहते कि शुरू से उसका यही मंशा था, उसकी मेंटालिटी थी, हमेशा वो प्रयास रहता था, लाइव आता था, हिंदू मुस्लिम प्रयास करता था कि किसी तरीके से विवाद बढ़ता रहे, तमाम लाइव वीडियो भी उसने डाली थी। बड़े भाई देखो, उसकी अगर आप सारी वीडियो डिलीट मार दी उसने, अब उसे पता है कि मेरे सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, तो अगर ये तो साइबर का काम है, साइबर उसकी दोबारा वीडियो निकाले और एक भी वीडियो में उसने अगर भाईचारे की बात करी हो ना तो मुझे फांसी दे देना। उसमें हिंदू मुसलमान वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई है ना फरीदाबाद के, वो बहुत समझदार है, उस इसके साथ कोई हिंदू मुसलमान फरीदाबाद का नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ वो जुड़े हैं जो गांजा बेचते हैं, जो दारूबाज हैं, समझ रहे हो, जो नशेड़ी टाइप के हैं, उन लोगों को उकसा के, क्योंकि ये मेहनत बहुत दिनों चल रही थी, एक दिन की मेहनत नहीं है ये, तो शोभा यात्रा को जहाँ 1500 आदमी जाते थे वहाँ 20,000 आदमी पहुँच गए। ये बिट्टू बजरंगी खुद कहता है कि मैं सिस्टम से आ रहा हूँ। आपने उस जीजा वाला तो डायलॉग सुन लिया कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा है, ये नहीं सुना इसने क्या कहा था कि मैं सिस्टम से 150 गाड़ियों में आ रहा हूँ। सिस्टम क्या होता है भाई साहब, आप मुझे बताओ, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि मैं पूरे लैस होकर आ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल बनता है, आप बिट्टू बजरंगी पर तमाम जो आरोप लगा रहे हैं जी, और आपने कहा कि हम पूरी सिस्टम से आ रहे हैं और बार बार वो प्रयासरत रहता था, क्या आपको लग रहा है कि उसके पीछे कोई ना कोई और लोग होंगे जो इतने बड़े चीजों को प्रायोजित कर रहे हैं? क्या बिट्टू बजरंगी ही है जो अकेले कर रहा है? देखो भाई साहब, वो पुलिस जांच करेगी कि इसके पीछे कौन कौन था, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देखा भड़काते हुए उसकी न्यूज पे आते हुए बिट्टू की पे, मैं झूठ नहीं कहूँ क्योंकि वो निकाली जाएगी उसकी वीडियो। एक तो जो दिल्ली की एक लेडीज है जिसकी मोटी सी बिंदिया लगा के रखती है और बिहार की भाषा बोलती है वो लेडीज,
और वो भगवा कपड़े पहन के रखते हैं, मोटा चश्मा पहनती है, मैं नाम नहीं पता उसको, सुदर्शन चैनल में पता किस मेहमान ने जानता जी किस में है वो, लेकिन हाँ वो औरत, अरे मुल्लों को काटो ना, 3-4 महीने पहले की वीडियो, अरे काटो ना, अरे हिंदू भाई इकट्ठे हो ना, तो इनकी एक पर्सनल मंशा थी भाई साहब, मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, चाहे मुझे फांसी हो जाए, मैं अपने बच्चों से कह के आया था, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से कह के आया था कि मैं सर पर कफन बांध के जा रहा हूँ, लौट के आऊँ या ना आऊँ, लेकिन सच्चाई बताऊंगा मौत से पहले पहले, सच्चाई बताऊंगा देश को कि सच बात क्या है। आप देश में इस समय राजधानी में खड़े दिल्ली पुलिस की बात कर ले या फिर केंद्र में जो मुखिया बैठे हुए हमारे गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी, उनसे एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अभी आपने जिस लड़की के बारे में जिक्र किया वो हो या फिर ऐसे तमाम जो भाई साहब उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग क्या देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि मैं किसका वोटर हूँ और किसका सपोर्टर हूँ, वो दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हो ना भाई साहब, स्वतंत्र है लोग, आपको जल्दी तो नहीं है ना। बिल्कुल ये देखिए मैं खुद किसका सपोर्टर हूँ, मैं आपको वो चीज दिखा दूंगा, मैं हजारों की संख्याओं में लेके अपने भाइयों को, जो लोग आज की डेट में ये कहते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो आतंकवादी होता, ये कौन है, मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, वोटर भी है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं, बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मेरी कि इस देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चंद लोगों की वजह से, ये दिखाओ मैं किसका सपोर्टर हूँ, ये दिखाओ मीडिया देश, ये दिखाइए, जनता पार्टी के सपोर्टर भी झूठ बोल रहा हूँ, दिखाइए करता है, लेकिन देखिए किस तरह, भाई आज मेरा दिल रो रहा है, आज मेरा दिल रो रहा है, दंगे करवाए वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या, उनको भी इन्होंने मारा, तो वहाँ के लोग ये भी तो कहते हैं इसमें राजनीति भी लोग करते हैं, बीजेपी करवाते हैं कभी कहते हैं, भाई देखो मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस का नाम नहीं लूंगा, मैं बिट्टू बजरंगी का नाम लूंगा, इसको पकड़ के इसको उसकी रिमांड हो, इसका इसको पता लगाए इसके इसके भाई किस किसने दंगे कराए तेरे पीछे कौन कौन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, सच्चाई दिखाना चाहता हूं मैं देश को। तो दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है फिर, बिट्टू बजरंगी सरकार जिम्मेदार नहीं रहा भाई, मैं सरकार को नहीं समझता, मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी में किसी की बुराई भलाई नहीं करता भाई, वो अकेले तो कर नहीं सकता, उसके पीछे कोई तंत्र तो होगा। भाई मैंने आपसे ये कहा है कि मैं बिट्टू बजरंगी की नस-नस को जानता हूँ, अब वो बताएगा कि तेरे पीछे किस किस का हाथ रहा है, मैं कहने को वैसे धकेल दूं खाम खा के जी मैं बीजेपी गंदी है कांग्रेस गंदी है, मेरे लिए कोई गंदी नहीं है, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। सर नू व्यवहार तो या जितनी भी घटनाएं घटी है अगर बिट्टू बजरंगी को पकड़ा जाए उस पर जांच बैठाया जाए तो सबके 1 करोड% अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले मैं सबके सामने कह रहा हूं मुझे यहां ही फांसी लगा देना, मैं अपने लिख के दे दूंगा, किसी को कोई गुनाह नहीं, मैं खुद मर जाऊंगा, जाओ अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले। धन्यवाद। देश के मीडिया के सामने क्या दिखा रहे हैं, क्या कुछ पता है, कुछ नहीं पता किसी को, सिर्फ मुझे पता और बिट्टू बजरंगी को पता इस देश के बारे में कि क्या हुआ, और हमने 3 महीने पहले हाईलाइट कर दिया था फरीदाबाद पुलिस का, हम अब भी हाथ जोड़ के एक वो कर रहे हैं कि फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद दंगा होने से बचा लिया।